नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिल्कियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को कड़ी जद्दोजहद के बाद निकाला गया, जिसके बाद प्राथमिक जांच के बाद मजदूरों को उनके घर भेजा गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर भी लखनऊ पहुंचे, जहां डालीबाग स्थित अतिथि गृह में ठहराया गया। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मजदूरों से मुलाकात की। इस दौरान जहां मजदूरों ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए अपनी 17 दिन की कहानी सुनाई कि किस तरह से टनल में 17 दिन बीते। हालांकि अब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल सभी की हेल्थ चेकअप के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात तो हो गया था, बस योगी जी से बात करना था, उनसे भी हो गया। बाकी सर मैम बहुत बेटर फील हो रहा है। मैडम बहुत अच्छा लगा, हमें तो कभी भी विश्वास नहीं था जीवन में कभी मिल पाएंगे उनसे। बहुत खुशी हो रही है मिलकर, बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। और अब सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जारी है। की बातें हैं उसको भी सुन लीजिए। हमारी सरकार की तरफ से संपूर्ण ये बजट बहुत ही सराहनीय है और मैं इस बजट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री माननीय कैलाशनाथ शुक्ल जी, माननीय कैलाशनाथ जी धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्षता महोदया, हमारी योगी जी की सरकार जिस प्रकार से प्रदेश के चतुर्मुखी और सबका साथ सबका विकास इस भावना से काम कर रही है, उसी भावना के साथ ही जो बजट अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है, इसके द्वारा निश्चित रूप से प्रदेश का चतुर्थी विकास होगा और समाज के सभी वर्ग के हित को ध्यान में रख करके आदरणीय वित्त मंत्री जी ने योगी जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत किया है। आदरणीय महोदया, हमारी सरकार ने चुनाव के समय यह संकल्प पत्र जारी किया था कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर सिंचाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। उस भाव को ध्यान में रखते हुए इस अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम होगी। आदरणीय महोदया जी, हम सब जानते हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आए दिन हम सबके गाँव क्षेत्र में हमारे घर के मुखिया परिवार का नौजवान सदस्य अनजाने ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में परिवार के सामने अंधेरा छा जाता है। हमारी सरकार ने एक योजना बनाई कि किसान बीमा दुर्घटना योजना के अंतर्गत जिस परिवार का मुखिया कालकौलित हो जाएगा उसको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसान बीमा दुर्घटना की योजना के अंतर्गत दी जाएगी और उस योजना के लिए भी अच्छी बजट अलर्ट की गई है। इतना ही नहीं आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, हमारी सरकार ने महसूस किया कि बहुत बार हमारे घर का नौजवान जिसके नाम से कोई खेत नहीं है, जिसके बाप बूढ़े बाप के नाम खेत है, यदि वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो किसान की परिधि में ना आने के कारण उसकी सहायता नहीं हो पाती थी। इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई कि अगर कोई व्यक्ति गांव का एक शपथ पत्र दे देगा कि यह हमारी खेती बटाई पर करता था तो उसको भी उस योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने एक अच्छा धनराशि दिया है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जहाँ हमारी सरकार ने अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है, वहीं जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं उस क्षेत्र में स्थित देवपाटन धाम शक्ति विकास परिषद का भी गठन किया गया है। इससे निश्चित रूप से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं वहां तीर्थयात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महोदया, इस अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलते हुए मैं अपने क्षेत्र के कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदया, हमारा विधानसभा क्षेत्र तुलसीपुर नेपाल की सीमा पर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से सटा हुआ क्षेत्र है।
हमारे इस तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के काफी गांव जंगल क्षेत्र से सटे हुए हैं और पिछले इसी नवंबर महीने में तेंदुओं के आतंक के कारण हमारे ही विधानसभा के 3 बच्चों की अकाल मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चे, और एक आध परिवार तो ऐसे भी थे कि जिनके घर में एक ही मात्र बच्चा था और वो तेंदुए का शिकार हो गया। लेकिन उसमें समस्या यह आ रही है कि जो वन्य जीव संरक्षण और वन विभाग संरक्षण नियम है उसके प्रावधान इतने जटिल हैं कि वन विभाग चाह करके भी उन पर नियंत्रण करने की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकता है। मैं तो तस्वीरें आपने देखी जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज अंतिम दिन की कार्यवाही जारी। वहीं रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया है, कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। तो वहीं आपको बता दें कि बनवारी लाल कंछल समेत कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा आरएलडी के वरिष्ठ नेता आरिफ महमूद बीजेपी में शामिल हुए हैं। सपा और कांग्रेस आरएलडी के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सदस्यता दिलाई। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां सपा कांग्रेस और आरएलडी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी के वरिष्ठ नेता ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। सुरान जहां सपा कांग्रेस और आरएलडी को एक तरफ बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और उत्तर प्रदेश में बड़ा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तमाम सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वही 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए चुनाव पर नतीजे जारी किए जाएंगे। बीजेपी लगातार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का चुनाव में और जीत को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पार्टी विकास फीडबैक यही है कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तेलंगाना और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का, अपने जब से तेलंगाना बना है या जब से मिजोरम में हमने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। अब आपको 3 तारीख को बताएंगे क्यों कर पाए हैं, अभी तो इतना ही कह सकते हैं 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। मैंने कहा ना, न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है। आज 1 तारीख हो गई है, कल के बाद परसों कौन कहाँ है, कितने पानी में है पता चल जाएगा। आप देखिएगा तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ कमल का फूल ने सामने तो हरदम होते हैं पक्ष और विपक्ष। एक तरफ सत्ता पक्ष होता है, एक तरफ विपक्ष होता है। और जितनी घेराबंदी की उनके पास तैयारी हो तैयारी करके आवे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, सत्ता विहीन है विपक्ष, और अपने इन आचरणों से अभी बहुत लंबे समय तक सत्ता से बेदखल रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर लगातार सपा भी पक्ष में नजर आ रही है। हाल ही में सपा नेता पल्लवी पटेल ने बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि संसद में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और वो भी सकारात्मक चर्चा। और क्या कुछ कहना है पल्लवी पटेल का आपको सुनवाते हैं। ये जो सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें अनुपूरक अनुदानों के साथ साथ हम विपक्ष की सिर्फ इतनी मांग है कि जो वंचित समाज है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनके हितों की और हकों की बात और चर्चा उनके मुद्दों को लेकर के सदन में हो। और जातिवार जनगणना को लेकर के मैंने निजी विधेयक इस सदन में दिया है इस उद्देश्य के साथ कि सकारात्मक चर्चा हो और उस पर निष्कर्ष निकले, उस पर बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही सचेतन मन से, पूरी सुनिश्चित तरीके से जो है वंचित समाज के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको स्वस्थ संसदीय प्रणाली का जो है प्रक्रिया का महत्व, वो एक एक्सक्यूज देते हुए उसको टालने का प्रयास कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि 3 तारीख को पता चलेगा कि राज्यों में किसकी सरकार बनती है। साथ ही उन्होंने राजस्थान में दोबारा सरकार बनने का भी दावा किया।
के पहले भारतीय जनता पार्टी तो कह रही थी कि 5-0 का पर वो खेल रहे हैं। एग्जिट पोल की अगर आप बात करें, वैसे मैं इस पर कम विश्वास रखती हूँ। मैं जनता का जो मत होता है वो जब खुलेगा तीन को रिजल्ट आएंगे, और मैं जो रुझान जो एग्जिट पोल में दिख रहा है इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस जहाँ थी उसको और मजबूती से वहाँ पे वापस आएगी, और जहाँ नहीं थी वहाँ पर नई शुरुआत करेगी। मैं जितना मैं रही हूँ राजस्थान में, मैं कहाँ तक जानती हूँ, राजस्थान में गहलोत जी के नेतृत्व में एक सफल 5 साल का कार्यकाल रहा है। वहाँ की जनता को विश्वास है हम वहाँ पर दोबारा सरकार जरूर। 2024 में होने वाले माघ मेले को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। भूमि पूजन के साथ शुभारंभ हो चुका है, जिसे लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन कोहरे के कारण प्रयागराज मंडल से 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनको गंतव्य स्थान से पहले ही रोक दिया गया है। कोहरे से निपटने के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने क्या खास तैयारी की है, जिसे कोहरे में भी ट्रेन चलने में सक्षम रहेंगी, देखिए हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। जहां माघ मेले 2024 की आज से शुरुआत हो गई, और ऐसे में आज पुलिस द्वारा भूमि पूजन भी किया गया है, जिसमें जिला अधिकारी एडीजी और पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। मगर माघ मेले की जैसे शुरुआत हुई है, मगर उसी तरह से रेलवे के लिए माघ मेले के साथ साथ अब कोहरा भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से माघ मेले में लोग आएंगे और कोहरे में ट्रेन कैंसिलेशन के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना है, उसके लिए रेलवे ने क्या तैयारी की है कोहरे से लड़ने के लिए, हम बात करेंगे हमारे साथ सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। सर, किस तरह से रेलवे ने कोहरे को लेकर तैयारी की है और किस तरह से पूरी व्यवस्थाएँ रहेंगी, क्योंकि माघ मेला भी है और कोहरा भी, दोनों ही रेलवे के लिए चुनौती। देखिए, कोहरा हर साल आता है और उत्तर मध्य रेलवे ऐसे क्षेत्र में आता है जो कोहरे से सबसे अधिक प्रभावित होती है। ऐसे में कोहरे के दौरान गाड़ियों को संरक्षित रूप से सेफ्टी के साथ चलाना हमारी प्रायोरिटी होती है। इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रयास और उपाय किए गए हैं। जैसे कोहरे में जो परिचालन संबंधी नियम है उनसे सारे स्टाफ की उनसे संबंधित काउंसलिंग की जा चुकी है, ताकि कोहरे में जो परिचालन के नियम हैं उनको सभी स्टाफ पूर्णतः फॉलो करें, अनुसरण करें। दूसरा, बात करें तो विभिन्न जो ओएचई मास्ट हैं या जो स्पीड बोर्ड हैं उनमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगाई गई है, ताकि वो दूर से ही चमकें और ड्राइवर को कोहरे में भी दूर से ही दिखाई दें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है फॉग सेफ डिवाइस लगाना प्रत्येक लोको में। जितनी भी ट्रेन चलेंगी हमारे मध्य रेलवे में पास होंगी और चलेंगी, उनमें सब में फॉग सेफ डिवाइस लगाई जा रही है, जिसमें GPS मैपिंग पर आधारित ये डिवाइस है। इसमें सिग्नल आने के करीब 1 किलोमीटर से 500 मीटर पहले ही सिग्नल के बारे में अलार्म जनरेट होगा, सिग्नल के बारे में सूचना दी जाएगी कि आगे ये सिग्नल पड़ने वाला है, ताकि कोहरे में दृश्यता में कमी के बाद भी ड्राइवर सिग्नल के आस्पेक्ट को लेके सचेत हो जाए और गाड़ियाँ ठीक से संचालित कर सके, सेफ्टी के साथ संचालित कर सके। इसमें स्पीड रिडक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन हमें ये इसको स्वीकार करना पड़ता है, और कोशिश ये रहती है कि कम से कम स्पीड रिडक्शन में हम सेफ्टी के साथ अपने सम्मानित ग्राहकों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। सर, जैसे कि अभी शुरुआत है और 26 ट्रेनें करीब रद्द हैं और आगे और कोहरा बढ़ेगा उसकी भी संभावना स्पष्ट है, मगर ये किस तरह से और क्या व्यवस्थाएँ करी गई है पैसेंजर की सेफ्टी को लेकर? देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूँकि कोहरे में ट्रेन धीमे चलती हैं, तो चूँकि कंजेशन होता है, कंजेशन कम हो और हम ट्रेन को अच्छे से चला सकें, इसके लिए 26 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, 32 ट्रेनों का फ्रीक्वेंसी रिडक्शन किया गया है और करीब 8 ट्रेनों का पार्शियल कैंसिलेशन किया गया है, मतलब डेस्टिनेशन के पहले ही उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और वहीं से चलाया जाएगा। इसके अलावा हम एक सेट सिस्टम है हमारा, टाइम टेस्टेड सिस्टम है, मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम मास MASS, वो हम ऑपरेट करेंगे इसमें, जिसमें जहाँ भी ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी है वहाँ पर मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नल के माध्यम से ट्रेनों के बीच पर्याप्त दूरी बना के रखेंगे और सफल संचालन करेंगे। ये हमारे साथ CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पैसेंजर की सेफ्टी हमारे लिए प्रथम है और 26 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिससे कि बेहतर व्यवस्थाएं से ट्रेन चलाई जाए। सबसे बड़ी बात है रेलवे आधुनिक उपकरण जो कि रेलवे सेफ्टी कोहरे को लेकर बनाया है, जिसमें GPS के माध्यम से बिना देखे भी लोको पायलट ट्रेन चला सकेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का।
सहारनपुर में यातायात माह का समापन, जनमंच सभागार में आयोजित हुआ भव्य समारोह, समारोह को डीआईजी ने किया संबोधन। सहारनपुर में कला प्रदर्शनी और कार्यशाला का शुभारंभ, विश्वविद्यालय के कुलपति ने सीता काटकर किया शुभारंभ, उन्होंने कलाकृतियों की जमकर की सराहना। आजमगढ़ में फैला आवारा जानवरों का आतंक, व्यस्त इलाकों में घूमने के साथ दुकानों में घुस रहे जानवर, लोगों की बड़ी रही। कानपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से गई लाइनमैन की जान, 6 विद्युत उपकेंद्रों को जाने वाली लाइन के फॉल्ट को सही कर रहा था लाइनमैन, लाइट आने से गंभीर रूप से झुलस कर हुआ था घायल। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, ड्राइवर ट्रक के पास नहीं दिखा मौजूद। सहारनपुर में कायाकल्प टीम ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण, मौजूद सुविधाओं और साफ सफाई की जांच की, चिकित्सकों और स्टाफ से ली जानकारी। रायबरेली में टूरिस्ट बस और स्कूली बस के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में वाहनों के उड़े पर खच्चर, कई लोग हुए मामूली रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में जंगल में मिला युवती का शव, युवती की धारदार हथियार से हमला कर हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में पीआरवी ने अधेड़ को मारी टक्कर, गंभीर रूप से अधेड़ हुआ घायल, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। फरुखाबाद में नेशनल हाईवे पर पेड़ काटने से लगा चक्का जाम, आम जनता को उठानी पड़ रही दिक्कत, एनएचआई अधिकारियों को जनता की समस्याओं से नहीं कोई सुरक्षा। बरेली में बस चालक ने बस की यात्री को कुचला, मौके पर हुई मौत, बस रोकने पर हुआ था हादसा। जालौर में मरीजों की जगह एम्बुलेंस से लाई जा रही मछलियां, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में शराबी पति ने पत्नी को छत से मारा धक्का, मौके पर पत्नी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।